जय श्री महाकाल हरिहर। आदत से ही मानव परेशान है। हर मानव अपनी आदत या दूसरे की आदत से ही व्याकुल है। वहां फंस गया है क्योंकि आदत में बदलाव नहीं हो पा रहा। ध्यान रखेंगे कि कभी भी मानव आदत को बदल के कोई सुखी नहीं हुआ। ठीक है, लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके मानव को लगता है कि वो सुखी हो जाएगा, मगर वो होता नहीं, क्योंकि लाइफ को चेंज नहीं करना होता, लाइफ को रियलाइज करना होता है। जब मानव लाइफ को रियलाइज करता है, तब वहां समझ आती है और समझ ही प्रतिष्ठित होती है। मानव समझ के ही गौरवान्वित होता है। मानव में जब तक समझ आएगी, अस्तित्व की समझ आने के बाद ही अस्तित्व के जानने के बाद ही मानव संपूर्णता स्वरूप में अपनी आदतों से बगैर घर्षण के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी नियंत्रण के मुक्त होता है। मानव जब तक फोर्सफुली अपने आप को बदलाव करता है, तब तक बाहर से हो जाता है बदलाव। फिजिकल शेप विल बी चेंज्ड, बट द मेंटली फ्रीडम विल नॉट गेट। मेंटली फ्रीडम, साइकोलॉजिकल फ्रीडम एंड इमोशनल फ्रीडम आदमी मानसिक मनोवैज्ञानिक भावात्मक मुक्त तभी होता है जब मानव की समझ संपूर्ण होती है, तभी स्थायी सुखी होता है। तो जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो मुक्ति के लिए होते हैं, याद रखिए। कभी भी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो मुक्ति होने के लिए हो रहे हैं, पर मानव मुक्त तो नहीं। आदमी घर्षण से युक्त हो जा रहा है, दबाव से युक्त हो जा रहा है, वहां चिंता से युक्त हो जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मानो कभी भी अपना लाइफस्टाइल, आज पूरा लाइफस्टाइल चेंजिंग प्रोग्राम चल रहा है, हाँ या ना? लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना होता है, लाइफ की स्टाइल को जानना होता है, चेंज नहीं करना होता। जब तक आपने जीवन की शैली को नहीं जाना, तब तक मानव स्वयं को नहीं जान पाता, तो अपने कोई भी सगी संबंध को नहीं जान पाता, अधूरा रहता है। जान के ही मानव संपूर्ण होता है, संपूर्ण होके ही समग्र की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, कभी भी आदत को फोर्सफुली और कंट्रोलफुल बिल्कुल चेंज न करें, क्योंकि करने से आज तक मानव सुखी नहीं हुआ। वो बस परिवर्तन कर रहा है, एवरी क्षण हर क्षण परिवर्तन तो हो ही रहा है। ठीक है, रचना भी हो रही है, संरक्षण भी हो रहा है, परंतु इनको जानना ही इन परिवर्तनों से, इन संग्रहित से, इन रचनाओं से मानव मुक्त होता है। तभी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाता है। ये चक्रव्यूह है क्रिएशन,
प्रिवेंशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। इससे बाहर निकल जाना ही मानव की मुक्ति है और यहीं पे मानव स्थायी सुख होगा, फिर उसके बाद स्थायी शांति आएगी, फिर उसके बाद स्थायी संतोष होगा, फिर वहाँ उसके बाद स्थायी आनंद में होगा। मानव फोर्सफुली न करें, छेड़छाड़ न करें, मानव को लगा बैक टू द नेचर, कभी बैक नहीं होती परिवर्तन, उम्र कभी बैक नहीं होती, होगा तो फॉरवर्ड ही होगा। जीवन कभी भी रिपीटेशन नहीं होती, हर क्षण हर पल हर कण में नवीनता है और नवीनता में निरंतर है और यही मानव को जानना है। जब नवीनता निरंतर की सहज स्वीकृति हो जाती है तब मानव वहां संपूर्ण में सत्ता में संप्रक्त विद्यमान हो जाता है, वहां भागीदार हो जाता है और यही होना हर मानव जाति को। फिर घर्षण नहीं है, फिर मानव दुखी नहीं, परमानेंट स्टेबल सुखी है, अधूरा नहीं। तो आज मानव को कभी भी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके वो बात ही नहीं बचा पाता। मानव के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, इसलिए पहले योग्यता बढ़ानी होगी। योग्यता होगी जानने के बाद और फिर मानव की उपयोगिता होगी और उपयोगिता होने के बाद फिर उसकी सहयोग्यता होगी और फिर मानव अस्तित्व में विद्यमान हो जाता है। ठीक है जी, तो इसलिए अब आइए समझदारी में, करने में मत जाइए। हम यही बता रहे हैं, आदमी को लगता है कि हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, ये खाने से चेंज हो जाएगा वो खाने से चेंज हो जाएगा, ऐसे अलग व्यायाम करने से अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर उसकी समझ और अकल में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा और यही करना है हर मानव जाति को, अपने आप में अपग्रेडेशन, अपने आप में अपडेट करना है। सिर्फ स्टेटस नहीं, बाहर का स्टेटस नहीं, आंतरिक का स्टेटस, आंतरिक का स्टेटस अपडेट करें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।